हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले आप सभी लोग मेरे ये पिटूनियाज के पौधे देख लीजिए, कितनी हैवी ब्लूमिंग ये कर रहे हैं। कहीं से इनकी पत्तियां भी नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे बहुत दिन से कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे जो पिटूनियाज हैं वो लाने के बाद, रिपोर्ट करने के बाद या तो ख़राब हो गए हैं, और अगर ख़राब भी नहीं हुए हैं तो उनमें ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है या फिर फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आप लोग इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं अपने पिटूनियाज को किस तरीके से ग्रो करती हूँ। उसी तरीके से आप लोगों को आज मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह की इनकी सोयल आपको तैयार करनी है, क्या इनको फर्टिलाइजर देना है और किस तरह से हमें इनको रिपोर्ट करना है। क्योंकि रिपोर्टिंग करते समय कुछ गलती हम लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से पिटूनियाज का जो पौधा होता है डेड हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपको लाइक करना, वीडियो को आगे शेयर भी कर देना। तो चलिए सबसे पहले इनके लिए हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, मिट्टी इनके लिए हमें यहाँ पर कैसी बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेजरमेंट के लिए मैं एक ये प्लास्टिक का पॉट ले रही हूँ। इस पॉट से हम 6 हिस्सा लेंगे गार्डन सोयल, यानी कि 60% गार्डन सोयल। इस पॉट का यहाँ पर मैं इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि कई बार जब हम परसेंट से बताते हैं तो समझ में नहीं आता है। यानी कि 6 हिस्सा इस पॉट से गार्डन सोयल हो गई। एक हिस्सा हम लेंगे इसी पॉट से, ये राइस हस। ये राइस हस वही होता है जो चावल का छिलका होता है, बहुत ही सस्ता आपको मिल जाएगा जहाँ पर ये चावल निकलते हैं, सेलर उसको बोलते हैं, वहाँ पर ये 5 रुपये केजी आपको मिल जाएगा। दो हिस्सा ये जो आप देख रहे हैं, दो पॉट भर के हम लेंगे ये वर्मी कंपोस्ट, या फिर इसकी जगह आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ध्यान रहे, खाद जो भी आप यूज कर रहे हैं वो अच्छे से डीकम्पोस्ट, यानी कि लगभग 2 साल पुरानी होनी चाहिए। तो देखिए, दो हिस्सा तो यहाँ पर ये बर्मी कंपोस्ट हो गई और एक हिस्सा ये चावल का छिलका हो गया। और एक हिस्सा लेंगे यहाँ पर हम रिवर सैंड, यानी कि जिन पॉट से हमने मेजरमेंट किया है उसी एक पॉट को भर के हम रिवर सैंड ले लेंगे। मैं यहाँ पर अपनी मिट्टी में नहीं ले रही हूँ। क्यों नहीं ले रही हूँ? क्योंकि ये जो मेरी मिट्टी है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो रिवर सैंड की मात्रा है पहले से ही बहुत अधिक है, क्योंकि ये मेरे पुराने गमलों की मिट्टी निकली हुई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं ले रही हूँ। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि 6 गमले हमने यहाँ पर मिट्टी ली है, एक पॉट भर के हमने ये राइस हस्क लिया है, 2 पॉट यहाँ पर खाद ली है और 1 पॉट यहाँ पर रिवर सैंड हो गई। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक चीज और यहाँ पर हम ऐड करेंगे, देखिए ये है नीम खली। ये मेरी काफी सारी मिट्टी तैयार हो रही है तो इसमें लगभग ये 1/2 kg में डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप 1 पॉट के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं, 10 से 12 इंच के पॉट के लिए, तो उसमें आप 1 मुट्ठी डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को ऐड कर लेनी है, ये है फंजीसाइड पाउडर। फंजीसाइड पाउडर भी अगर 8 से 10 या 12 इंच के पॉट के लिए आप लोग बना रहे हैं तो जो टीस्पून होती है उससे आधा टीस्पून जो फंजीसाइड पाउडर होता है वो इनफ रहता है एक पॉट के लिए। बस इन सारी चीज़ों को डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो मिट्टी हम लोग तैयार कर रहे हैं ये इतनी वेल्डेन और रिच मिट्टी बन करके तैयार हुई है। अगर इस मिट्टी में आपने एक पौधा लगा दिया तो पूरा विंटर, पूरा सीजन आपको कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल इनको हमें लिक्विड फर्टिलाइजर देना होगा। कब और कैसे देना होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो देखिए कितनी वेल्डेन मिट्टी हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब बारी आती है, देखिए ये वही ट्रे हैं जिनमें आपने मेरे पिटूनियाज देखे, इन्हीं ट्रे में मैं अपने पिटूनियाज को लगाती हूँ। और इनमें आप लोग देख सकते हैं ड्रेनेज होल मैंने कितने बना रखे हैं। तो जिस भी पॉट में अगर आप पौधे को लगा रहे हैं उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। नीचे से जो होल है वो अच्छे से मतलब खुले हुए होने चाहिए, जब भी हम पानी दें तो पानी जितना भी एक्स्ट्रा हो वो नीचे से निकल जाए। तो देखिए इसमें मैं एक एक ट्रे में 2-2 पौधे लगाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं पौधे को लगाना कैसे है। पहले पॉली बैग में से निकालना नहीं है पौधे को, पहले आपको ऐसे ही पॉली बैग को ट्रे में रख करके या जिस भी पॉट में लगा रहे हैं आपको चेक कर लेना है कि कहाँ तक ये पौधा आ रहा है, उसके बाद में पौधे को निकालना है। इसकी जो नीचे की सोयल है वो भी बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करनी है। अगर नीचे की सोयल को आप डिस्टर्ब करोगे तो आपका जो पौधा है वो 15 से 20 दिन पीछे चला जाएगा, यानी कि जो पौधा ग्रोथ करना चाहिए था वो 15-20 दिन बाद जाके ग्रोथ करना शुरू होगा। तो इसलिए ये जो सीजनल पौधे होते हैं इनकी जो रूट बॉन्ड होती है उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, इसकी वजह से भी पौधे कई बार मर जाते हैं। अब मैं आप लोगों को एक मेन रीजन और बताती हूँ जिसकी वजह से 99% जो पौधे हैं आप लोगों के खराब हो जाते हैं रिपोर्टिंग के बाद। देखिए इस पौधे को जैसे हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो रिपोर्ट इसको कैसे करना है, इसका ये वाला जो हिस्सा होता है इसको क्राउन एरिया बोलते हैं, क्राउन पार्ट, यानी कि ये बीच की स्टेम जो इसकी होती है ये हमेशा ऊपर की तरफ उठी हुई होनी चाहिए, साइडों की जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए।
यानी कि ये जो इसका मेन ट्रंक है तो ये हमेशा थोड़ा सा ऊपर की तरफ को उठा हुआ होना चाहिए। अगर इस तरीके से रहेगा तो इसमें पानी नहीं मरेगा। अगर इस तरीके से इसके ऊपर मिट्टी हम चढ़ा देंगे तो इसकी जो मेन स्टेम है उसमें पानी भरा रह जाएगा, तो पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, रूट रोट हो जाता है। तो इसलिए इस बात का अगर आपने ध्यान दे लिया, रख लिया, इस तरीके से आपने रिपोर्ट कर लिया तो आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। अगर आपने इस तरीके से पौधे को रिपोर्ट नहीं किया है, इसका जो मेन पार्ट है, मेन ट्रंक है, वो नीचे की तरफ धंसा हुआ है मिट्टी में, तो आपका पौधा 100% खराब होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इनको रिपोर्ट करने के बाद बस इस तरीके से हल्के हाथों से एक बार इनको टैप टैप कर लेंगे ताकि इनकी जो मिट्टी है वो बराबर हो जाए। एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये मेरी कुछ पिटूनियाज की सैपलिंग्स हैं, इनकी मिट्टी देखिए आप कितनी सूखी हुई, मैं नीचे से हाथ करके भी निकाल रही हूँ तब भी मिट्टी जो है कितनी सूखी हुई नज़र आ रही है। तो सबसे ज़्यादा ओवर वॉटरिंग होने से पौधे हमारे ख़राब होते हैं। और दूसरा कारण सबसे बड़ा होता है, इनका जो मेन पार्ट होता है वो अगर मिट्टी के अंदर धंस जाता है तो उसकी वजह से ख़राब होता है। देखिए आप इन सैपलिंग्स की जो मेन ट्रंक है आपको नज़र आ रहा होगा, ये कोकोपीट में लगी हुई होती हैं, तो कितना ऊपर की तरफ उठी हुई हैं। जो बास्केट की मिट्टी है वो चारों तरफ से कितनी नीची है तो आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सैपलिंग्स बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई हैं। अब बारी आती है इनको पानी देने की। देखिए कुछ लोग यहाँ पर भी गलती कर देते हैं, या तो आप मग्घे से पानी दे रहे हैं तो इस तरीके से आपको पानी देना है हाथ लगा करके, या फिर इस तरीके की आपके पास कोई कैन वगैरह है तो आप इस तरीके से पानी दीजिए और फर्स्ट टाइम अच्छे से पानी दे दीजिए। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो अभी 2-4 दिन के लिए इनको शेडी एरिया में रखिए। 3rd-4th दिन आप इनको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं क्योंकि इनकी रूट बॉल को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। एक काम और हमें यहाँ पर करना है। देखिए रिपोर्ट करने के बाद इन पौधों के ऊपर जितने भी फूल खिले हुए हैं या कलियाँ बनी हुई हैं इन सबको हम हटा देंगे। हटाना क्यों है, देखिए फूल खिलते रहेंगे, कलियाँ बनती रहेंगी तो पौधे की जो एनर्जी है पूरी फूल खिलने में ले लेंगे तो पौधे की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो इसलिए अभी हमने इस पौधे की ग्रोथ बढ़ानी है, पौधे को अच्छा हेल्दी हो जाना है, तब तक इनको हटाते रहेंगे। जब भी आपको कली नज़र आए तभी उसको आप हटा दीजिए। उससे क्या होगा, एक तो पौधा आपका हेल्दी बनेगा, ग्रोथ अच्छी होगी, तो जितना ज़्यादा हेल्दी आपका पौधा होगा उतनी अच्छी उसमें फ्लावरिंग होगी। तो देखिए दोस्तों, ये रिपोर्टिंग के 10 दिन बाद का रिजल्ट है। पौधे बिल्कुल हेल्दी हैं, कोई भी पौधा मेरा ख़राब नहीं हुआ है। लगभग 6 ट्रे मैंने इनकी तैयार किए हैं और देखिए इनमें फूल भी अब आने लगे हैं, लेकिन इन फूलों को अभी मैं नहीं रखूँगी। आपको दिखाने के लिए फूल मैंने लगे रहने दिए थे। तो देखिए इस तरीके से फूलों को मैं हटाती रहती हूँ, कलियाँ जो बनती हैं उनको पिंच करती रहती हूँ। वो इसलिए करती हैं, देखिए जिस भी पॉट में आप पौधा लगा रहे हैं, चाहे ट्रे में या पॉट में, जब तक आपके पॉट को पौधा अच्छे से कवर ना कर ले, यानी कि पौधे की जितनी अच्छी ग्रोथ होगी उतनी ही अच्छी उसमें फिर फ्लावरिंग होगी। मैं अपने पौधों की इसी तरीके से केयर करती हूँ। लास्ट ईयर के जो पौधे हैं आपने देखे, इन्हीं ट्रो में मैंने ये 2-2 पौधे लगाए थे और आप लोग देख सकते हैं कितनी हैवी ब्लूमिंग उनमें हो रही है। तो देखिए अभी जैसे 10 दिन हुए हैं इनको रिपोर्ट किए हुए, तो अभी तो कोई भी फर्टिलाइज़र इनको हम नहीं देंगे। लगभग 5-7 दिन बाद इनको मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना शुरू करेंगे। वो कैसे बनता है, कैसे इनको देना है, अलग से किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। सनलाइट की इनकी अगर बात की जाए तो इस टाइम पर इनको फुल डे की सनलाइट में आपको रखना है। और देखिए इनकी मिट्टी देखिए आप लोग, मेरे ट्रे में मिट्टी आपको बिल्कुल ऊपर से सूखी हुई नज़र आ रही होगी, तो पानी का आपको बहुत ध्यान रखना है। ओवर वॉटरिंग बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। जब तक आपके पॉट की ऊपर से लगभग 1-1.5 इंच की मिट्टी की लेयर सूख ना जाए तब तक अपने पौधे में दूसरा पानी नहीं देना है, तो आपका पौधा कभी खराब नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इनकी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।